करेंगे, कोई अधिकारी अगर दखल दे उसमें हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप परीक्षा देते हैं, 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी, ये कह रहे हैं हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, मौका दीजिए काम करने का, सेवा करने का। वैसे भी आप नहीं भी देंगे तो हम सेवा करते रहेंगे, लेकिन अगर सरकार हमारी प्रदेश में बन जाए तो जिस तरह से यहाँ का विकास हम करा के दिखाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपने कभी पहले नहीं किया। हम कह रहे हैं कि छुट्टे जानवरों की जो समस्या है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुलझाई गई है, उसी तरह से हम उसी योजना को यहाँ लागू करेंगे। वो छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ लाएंगे ताकि ये छुट्टा जानवर से आपको छुटकारा मिले। आपको गोबर के 2-2 रुपए किलो गोबर हम खरीदे आपसे और अच्छे अच्छे सारी इंतजाम बनाए ताकि ये समस्या ना हो। तो ये सारी चीजें हम कह रहे हैं। नौजवानों के लिए 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, कहाँ से? 12 लाख पद खाली पड़े हैं सरकार में, 5 सालों से भरे नहीं है। अब इनकी ये हिम्मत आपने दे दी है कि ये मंच पे आके कहते कि रोजगार देंगे, 5 सिलेंडर मुफ्त दे दिया, वोट मिल जाएगा। समझ लीजिए इनकी नियत को, ये निर्भर करना चाहते हैं आपको उस राशन के बोरे पे, ये निर्भर करना चाहते हैं आपको वो थोड़े थोड़े जो 1000-2000 रुपए आपके खाते में डालते हैं उस पर। ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाना चाहते, ये आपको अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, जिस दिन आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, जिस दिन आप पूरी तरह से शिक्षित होंगे, समर्थ होंगे, उस दिन आप सवाल उठाना शुरू करोगे। इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए। हमारे पास 3 घोषणा पत्र हैं, 1 सिर्फ महिलाओं के लिए, उसमें आपकी सेहत, आपकी सशक्तिकरण, आपकी भाई, आपकी सुरक्षा की सारी बातें लिखी हैं। आपको ये 1 गैस सिलेंडर दे रहे हैं मुफ्त वोटों के लिए, हम कह रहे हैं 3 ले लो, हम कह रहे हैं मोबाइल फोन ले लो छात्राओं, हम कह रहे हैं कि आप स्कूटी भी ले लो, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को मिलेंगे, हम कह रहे हैं 25% भर्ती आए थे। ये है धर्म, धर्म की बात करते हैं ये लोग चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, आप समझ लीजिए। आज धर्म क्या होता है नेता का, कौन बताएगा? प्रजा की रक्षा, समाज सेवा, सही बात की आपने। असली धर्म होता है सेवा। किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, भगवत गीता देखिए, मुसलमानों के ग्रंथ में देखिए, कुरान शरीफ में देखिए, सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए, सब में यही लिखा है। ये सेवा नहीं कर रहे हैं जनता की, ये अपनी सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सेवा कर रहे हैं। आपने पार्टी ने लगवाई, रायबरेली में लगवाया, बनवाया, क्या किया इन्होंने? NTPC, BHEL जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनसे रोजगार मिलता है उसको बेच रहे हैं, बेच रही है। रोजगार कहाँ से आएंगे, किसको बेच रहे हैं? उन्हीं को बेच रहे हैं जिनको सारे देश के बंदरगाह, सारे देश के हवाई अड्डे बेच चुके हैं, अपने दोस्तों को, ऐसे उद्योगपतियों को जो 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, और यहाँ तमाम किसान जो 27 रुपए तक कमा नहीं पा रहे हैं, उनका कौन देखेगा, उनकी सुनवाई कौन करेगा? जो देश में सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, योगी सरकार हो, वो पूरी तरह से गरीबों के लिए नहीं कर रही, हीरो के लिए काम कर रही है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। ऐसे किसान के कानून लाई जिससे मेहनत करें आप, खून पसीना बहाएं आप और कमाए बड़े बड़े उद्योगपति। वो कानून कब वापस लिए? जब घबराने लग गए। बटवाएंगे आप उनको, ध्यान से पढ़िए जो जो हम कह रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए, आपको समर्थ होते हुए, आपको सशक्त होते हुए देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।